दोस्तों आपने सुना होगा कि इस दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको अपना दिमाग तेज करने के लिए यानी कि ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के लिए एक भी ऐसा टिप या ट्रिक नहीं बताया जाएगा जिसमें कहा जाए कि आप सुबह बादाम खा लो या इतनी बजे उठो इतनी बजे सो जाओ, लेकिन इसके बाद भी वीडियो के एंड तक आप अभी की तुलना में ज्यादा तेज बन जाओगे। और दोस्तों मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग तेज होने का ठीक से मतलब भी नहीं जानते होंगे। जब भी आप सुनते हो कि यार वो लड़का बड़ा तेज है, वो लड़की बड़ी तेज है, तो आप में से अधिकतर लोग यही सोचते हो कि या तो वो बंदा पढ़ाई में तेज है या फिर बात करने में तेज है, जबकि तेज होना इन सबसे बहुत अलग है। और इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, तो मुझे आपसे कोई लाइक या कमेंट नहीं चाहिए, बल्कि आप सिर्फ इसको ध्यान से देखो और समझो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा कि यार मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि यार वो तो पहले से ही तेज है। तो दोस्तों तेज बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तेज दिमाग का मीनिंग क्या होता है। तेज दिमाग का मीनिंग है ज्यादा इंटेलिजेंट होना। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, किसी भी चीज को या क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट एक्यूरेटली सीखना और उसी फिर सीखे हुए नॉलेज को फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर सही ढंग से सही जगह पर काम में लेना। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, यानी कि अगर आपने इन दो चीजों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि यार ये बंदा ना भाई सच में इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन यही वो दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। तो मैं आपको सीखना और काम में लेना एकदम खुल्लम खुल्ला बताऊंगा, एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। आपको अब यहाँ से इस वीडियो की एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। सबसे पहले बात करता हूँ सीखने के बारे में कि क्या सीखें और कैसे सीखें। दोस्तों इंग्लिश के अंदर एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, यानी कि अगर आप सब कुछ सीखना चाहोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब है अगर आप ये सोच रहे हो कि इस दुनिया का हर तरह का टैलेंट हर तरह का ज्ञान मैं अपने दिमाग में भर लूं और फिर इंटेलिजेंट कहलाऊंगा, तो मेरे भाई आप बेवकूफ हो। मुझे एक बात का आप जवाब दो, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी बड़े लोगों का नाम सुना है उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया? आपको शायद ही ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो, उसी बंदे ने म्यूजिक के अंदर भी ऑस्कर अवार्ड जीता हो और फिर उसी बंदे ने कोई साइंटिफिक आविष्कार भी किया हो। मेरे भाई जो बंदा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार प्लेयर है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के मैदान में पूरी उम्र पसीना निकाला है। जिस बंदे ने म्यूजिक में ऑस्कर अवार्ड जीता है उसने हर दिन और सिर्फ म्यूजिक के अंदर ही लगाया है। जिस बंदे ने किसी नई साइंटिफिक चीज का आविष्कार किया है उसने हमेशा अपना टाइम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ही लगाया है। और यही वो एक चीज है जो उनको उस फील्ड में एक आम आदमी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। जी हाँ, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाला ही जिंदगी में इंटेलिजेंट कहलाता है। हर वो बंदा जो किसी भी एक फील्ड के बारे में औरों से ज्यादा जानता हो और औरों से ज्यादा करके दिखा सकता है वो ही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम टीवी में क्रिकेट देखेंगे तो सोचेंगे कि यार मुझे तो बस क्रिकेटर ही बनना है। एक साल बाद आपका फ्रेंड आईएएस बन जाता है तो आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे आईएएस ही बनना है। फिर एक साल बाद आपका कोई दोस्त बहुत बड़ी सक्सेसफुल वेबसाइट बना देता है तो आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे वेबसाइट ही बनानी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर का अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच समझ के लिया जाता है। और आपने एक बार जैसा भी डिसीजन ले लिया आपको उसे कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने हमेशा अपना टारगेट अपनी डायरेक्शन पूरी जिंदगी भर एक ही तरफ रखी है तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाओगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो वो तो आपको भी पता होगा। इसलिए आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है तो सब कुछ नहीं सीखना, सिर्फ वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग सीखनी है तो मरते दम तक आपके दिमाग में हर सेकंड हर मिनट यही चलना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और कोई सेकंड थॉट नहीं है मेरे पास। और ऐसे ही सोच सोच करके आपको अपनी एक्टिंग दिन प्रतिदिन सुधारते रहना है। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो आपको हर हाल में यही सोचना है कि मेरे लिए डॉक्टर से बड़ी कोई चीज नहीं है और सिर्फ अपनी डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पर ही ध्यान देना है। मैं आपको कील का एग्जांपल देता हूं। कोई भी कील आगे से जितनी नुकीली होगी वो उतनी ही आसानी से और उतनी ही अंदर तक दीवार में चली जाएगी। तो कील के नुकीले सिरे का मतलब है आपका जो भी फील्ड है, आपकी लाइफ का जो भी टारगेट है या जो आपने सोचा है कि मुझे यही करना है, आपको सिर्फ उसी पर ही ध्यान देना है, उसी को शार्प करना है, उसी को परफेक्टली सीखने की कोशिश करना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लो कि सीखना क्या है
तो फिर बात आती है कि उसको सीखे कैसे। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो उस फील्ड में ये देखो कि आपसे पहले और कितने इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग हैं और उन सब इंटेलिजेंट्स में सबसे टॉप के इंटेलिजेंट्स कौन कौन है। जैसे मान लो आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट क्रिकेट प्लेयर बनना है जिसको सब पता रहता है कि कौन सी बॉल पर किस तरफ कौन सा शॉट मारना है। तो अब आपने ये देखना शुरू किया कि क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर कौन कौन से हैं। उनमें से एक नाम निकल कर आया सचिन तेंदुलकर। अब आपको सचिन तेंदुलकर की तरह एक पावरफुल बैट्समैन बनना है तो आप उनके पुराने मैच देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, उन्होंने किस किस प्रॉब्लम का सामना किया है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है, उन सबको जानो। इस तरह से आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी जो आपके फील्ड में जानना बहुत जरूरी होती है और वही बातें आपको इंटेलिजेंट बनाती है। क्योंकि हो सकता है आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत बहुत जगह से सीखने को मिल सकता है। सीखने के हजारों तरीके हैं, लेकिन कुछ भी सीखने के पहले ये अच्छी तरह से ध्यान रखना कि क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किताबें चूज करो अच्छे राइटर्स की, एग्जाम निकाल दोगे। ये तरीका है सीखने का। और सीखने में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मेमोरी, याददाश्त। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कमजोर है तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही उसको देखना। लिंक यहाँ पर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, पहले इसको पूरा देख के जाओ। तो जब आप ये जान जाओगे कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी के 50% इंटेलिजेंट तब बनोगे जब उस सीखे हुए को ठीक तरीके से अप्लाई करोगे, काम में लोगे। तो जब आपको ये लगे कि यार मैंने काफी सीख लिया है, अब टाइम आ गया कि उसको यूज कैसे करें, कहां करें, तो जैसे मान लो क्रिकेटर वाला एग्जांपल ही वापस लेते हैं कि आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब टाइम है आपके रियल मैच का, या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब टाइम है एग्जाम का, तो अब आपकी मेहनत को काम में कैसे लें। आपको सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में रखना है। आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की लेकिन रियल गेम के टाइम आपका ध्यान पिछले मैच की कमजोर परफॉर्मेंस पे जा रहा था। आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी की लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट पे जा रहा था कि रिजल्ट में डाउन हो गया तो पापा बहुत मारेंगे। यानी कि आप में वो कैपेबिलिटीज है लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे, और जब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो कोई आपको इंटेलिजेंट बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो आपको प्रेजेंट में रहना है, हमेशा यही सोचना है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूं, मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, वो सब मैं बाद में देख लूंगा, मुझे सिर्फ अभी इस काम पर फोकस करना है जो मैंने शुरू किया है। इस तरह से आप अपने सीखे हुए को काम में ले पाओगे। जब आपको लगे कि यार प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये महसूस करो कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले ही ईमानदारी से बहुत मेहनत करी है और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर ही दोगे। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस आने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर ही दोगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले टाइम के लिए जरूर तैयार करके जाएगी, और इस तरह से आप अपने नॉलेज को बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम के अगेंस्ट अपना रिस्पांस टाइम घटाओ। किसी भी प्रॉब्लम को जितना शुरू में सॉल्व कर दोगे ना, फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है प्रॉब्लम की साइज भी बढ़ती रहती है। जब भी आप अपने नॉलेज को यूज करते टाइम अटक जाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपने नॉलेज के अपने प्रैक्टिस के मोड में वापस जाकर उसको सुधारो। दोस्तों ध्यान रखना, सीखना और उसको काम में लेना ये दोनों प्रोसेस हमेशा पैरेलल ही चलती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीखने के बाद फिर कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि यार मेरी ट्रेनिंग में या मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, मेरी ग्रोथ में कोई कमी रह रही है, तो आपको फिर से लर्निंग को और मजबूत बनाना है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि जब पहले सर्कस में किसी नए शेर को लेना होता था तो शेर के बच्चे को लिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर बड़े शेर को लेंगे तो उसको सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंट बनने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप चाहे 20 के हो या 60 के हो, आप हमेशा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। और अगर आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लगा कि आप में भी कोई खूबी है, आप भी ऐसा कुछ जानते हो जो हर कोई नहीं जानता, तो मेरा यकीन मानो आप भी एक तरह के इंटेलिजेंट हो। उस इंटेलिजेंस को और बढ़ाओ। और अगर आपने अभी तक अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं ढूंढी है तो कोई एक चीज फिक्स करो, उसको सीखो। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी है। धन्यवाद।